Hi friends, Article 16, Equality of Opportunity in Public Employment. हम जानते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है और उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में बात नहीं करता। यह आर्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि फॉरनर्स भी कहें कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करता है। और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के बारे में, उसके अंदर जो एक्सेप्शन हैं उनके बारे में, आर्टिकल 340 के बारे में जिसके तहत दो कमीशन्स बनाई गई, कालेकर कमीशन बनाई गई थी 1953 के अंदर और मंडल कमीशन बनाई गई थी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे इंदिरा स्वानी केस की, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है या मंडल केस भी कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि 27% जो आरक्षण है ओबीसी का उसकी क्या शक्ल होगी। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट्स लाए गए और ओबीसी की जो रिजर्वेशन था उसको और एम्पावर किया गया। तो देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली, वर्ड ओनली यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ इन्हीं के लिए, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अगर आप देखें तो इसमें कुछ नए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आर्टिकल 15 से जो अलग हैं। एक है उसमें से वर्ड है रेस, यानी कि द्रविडियन हो गया या आर्यन रेस हो गई या फिर हमारे और कोई रेस हो गई, उसको स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया जा सकता। और एक वर्ड यूज़ किया गया डिसेंट, यानी कि आपके पूर्वज क्या थे उस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि आपको आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया हो या बुरा किया हो उससे डिपेंड नहीं करता पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तीसरी चीज़ ये कही है प्लेस ऑफ बर्थ के साथ प्लेस ऑफ रेसिडेंस को भी इस्तेमाल किया गया है आर्टिकल 16 के अंदर। अब इस ये चीज़ें हमने देख ली हैं, डिस्कस कर ली कि एक अम्ब्रेला टर्म है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए, प्राइवेट सर्विसेज की एम्बिट से आर्टिकल 16 बाहर रखता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो जो एक्सेप्शंस हैं। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी के लिए। हम जानते हैं कि हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, अब 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, उनमें से 3 के पास अपना लेजिस्लेचर होगा, दिल्ली और पांडुचेरी के पास पहले से था और अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में का भी अपना लेजिस्लेचर होगा, और जो लेह की जो लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसके पास लेजिस्लेशन नहीं होगा। तो उनके जो कानून बनाता है वो यूनियन पार्लियामेंट ही बनाता है जिनके पास अपने लेजिस्लेचर नहीं है, या फिर उनके अंदर जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है वो फॉलो नहीं होती, यूनियन लिस्ट जो है वो ओवरपावर कर जाती है स्टेट लिस्ट के अंदर, और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की स्टेट लिस्ट होती है वो बहुत छोटी होती है। खैर ये बात तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट को लगता है कि किसी कास्ट के या क्लास के लोगों की रिप्रेजेंटेशन उसकी सर्विसेज में कम है तो वो उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे कि कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, जैसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है वो एक मुस्लिम होना चाहिए, तो वहाँ पर भी एक तरीके का रिजर्वेशन है या फिर एक प्रोटोकॉल फॉलो करी जाती है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कालेकर कमीशन की। आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि इस तरह की कमीशन आप बनाकर देखें कि अगर कोई कास्ट या क्लास के लोगों को जो है वो सोशली बैकवर्ड हो रहे हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड हो रहे हैं या इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो रहे हैं तो उनके लिए बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 340 के तहत जो है वो सबसे पहली जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनी थी वो 29 जनवरी 1953 को बनी थी, काका कालेकर की चेयरमैनशिप में बनी थी। काका कालेकर जो थे गांधीवादी थे, इनकी जो कमीशन थी उसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था, बट इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आपसे डिस्कस कर लें। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आप ये करिए कि 70% रिजर्वेशन दे दीजिए टेक्निकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, पर इन्होंने ये भी कहा था कि जो वुमेन है किसी भी क्लास की हो, कास्ट की हो, उसको आप बैकवर्ड क्लास कास्ट में शामिल कर लीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप जो हैं वो इनके इकोनॉमिक कंडीशंस को रिफॉर्म करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स करें, विलेज की इकोनॉमी को इम्प्रूव करें, भूदान मूवमेंट को दोबारा चलाएं, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, डेयरी फार्मिंग, कैटल इंश्योरेंस, बी कीपिंग, पिगरी, इस तरीके की चीज़ें करें ताकि इनकी जो पोजीशन है
OBCs की वो इम्प्रूव हो जाए, बट इस कमीशन की बात जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। फिर आती है हमारी मंडल कमीशन। मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने जो है वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन करी और बीपी मंडल जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी रखी गई। उस कमीशन में जो है वो बात हुई और इसको जो है ईयर 1990 के अंदर वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन इसके तहत लोगों को दे दिया। यहाँ पे एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगी और उसके बाद 1991 के अंदर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें दो चेंजेस और किए। वो चेंजेस ये किए कि इन्होंने क्या किया कि 10% जॉब्स जो थी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ हायर कास्ट को भी देना शुरू कर दी। इसके अगेंस्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट केस आता है वो आता है इंदिरा स्वानी केस और मंडल कमीशन केस, जिसमें कहा गया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है 10% लोगों को जो अपर कास्ट को दे रहे हैं आप इकोनॉमिक उसके एतबार से वो नहीं दे सकते, पर 27% रिजर्वेशन जो है वो आप ओबीसी को दे सकते हैं। इसमें और भी जो बातें कही गई वो इस तरह हैं। इंदिरा स्वानी केस के अंदर एक बात कही गई कि जो आप ओबीसी को दे रहे हैं तो उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर आया है सुप्रीम कोर्ट, और उसने कहा कि आप एक क्रीमी लेयर के लोगों को मत दीजिए और जो जो रियल बेनिफिशरीज हैं उनको दीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि रिजर्वेशन प्रमोशन में जो है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट तक ही रखिए आप, और इसको जो है आप 5 साल तक चलाइएगा, यानी कि 1997 तक चलाइएगा। इंदिरा स्वानी केस 1982 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने कही कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी लिमिट कर दिया इंदिरा स्वानी केस के अंदर ही 50% होना चाहिए, और कैरी फॉरवर्ड रूल को भी आप कर सकते हैं बट उसके साथ भी जो सीलिंग थी वो 50% की वैलिड कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने कहा कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए जो एग्जामिन करेगी ओबीसी की कंडीशन को। तो इसके अगेंस्ट में जब इंदिरा स्वानी केस के अंदर इतनी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही तो सरकार ने जो है बहुत सारे चेंजेस लाए। तो उसमें क्या क्या उसने किया, एक तो रामचंद्रन कमेटी बनाई गई क्रीमी लेयर को देखने के लिए। क्रीमी लेयर के बारे में अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 का हमारा वीडियो है वो देख सकते हैं, उसमें हमने बताया है कि क्रीमी लेयर के अंदर कौन आता है कौन नहीं आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा काम क्या किया, सॉरी पार्लियामेंट ने दूसरा काम क्या किया कि 1993 में एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई, यानी कि अब ये जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। इसके बाद जो है वो 77th अमेंडमेंट लेकर आए पार्लियामेंट, और उसने जो है वो कहा कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि प्रमोशन में जो सर्विसेज की, यानी कि अपॉइंटमेंट में है तो है ही है, आप जो है वो रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन के अंदर भी होगा। और 85th अमेंडमेंट 2001 के थ्रू जो ये कहा गया कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन के अंदर भी होगा। इसी तरीके से 85th अमेंडमेंट में क्या है कानून लेकर आया गया कि उसने स्टेट को एम्पावर किया कि अनफिल्ड रिजर्व कैटेगरीज जो हैं वो सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज में फिल्ड होंगी और सक्सीडिंग ईयर्स, यानी कि 50% का जो एक अम्ब्रेला थी वो जो है अगर पिछली बैकलॉग है वैकेंसीज का तो उसे फिल किया जा सकता है। और इस तरीके से इन्होंने एक और चीज़ करी कि 50% से ज़्यादा जो सीलिंग की रिजर्वेशन है वो ख़त्म कर दी। 76th अमेंडमेंट 1994 का जो था उसमें तमिलनाडु के अंदर देखा गया कि जो रिजर्वेशन था वो 69% हो रहा था, 50% से ज़्यादा हो रहा था, तो वो भी एक तरीके से पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है मंडल कमीशन और आपके जो उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं। बट स्टिल हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट इसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं वो इसको बहुत ही ढीला कर देते हैं, लचीला कर देते हैं। बट हमारा भी मानना यह है कि एकता समानता होनी चाहिए। अगर जो अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो एक तरीके से सही है, बट जो रिजर्वेशन है वो उन्हीं लोगों को पहुँचना चाहिए जो असल में बैकवर्ड हैं और जिन्हें इसकी ज़रूरत है। बट भारत के लोगों को कास्ट धर्म और इन सब भेदभावों को छोड़ के आगे बढ़ के और एक समानता होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज के अंदर ही जब समानता होगी तो आदमी की कास्ट या उसका रिलीजन इतना अहम नहीं रह जाएगा।
बट जब तक लोगों को उनकी कास्ट या रिलीजन के हिसाब से बांटा जाएगा तब तक ये रिजर्वेशन पॉलिसीज इसी तरह चलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियोज़ में क्या क्या चीज़ें और चाहते हैं। थैंक यू।